हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। माय डियर, जो लोग एमपी में एडमिशन किए हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, या फिर जो अभी इंतजार कर रहे हैं कि मेरा इनरोलमेंट कब होगा, माय डियर आप लोग को मैं बता दूँ, खासकर जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे के वेट कर रहे हैं, जो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देकर वेट कर रहे हैं, जो थर्ड ईयर के एग्ज़ाम देकर वेट कर रहे हैं, सबके लिए मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, जिसको आप लोग समझकर सोचकर अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं। माय डियर, जब मैं कमेंट देखता हूँ तो एक ही कमेंट रहता है कि कब रिजल्ट आएगा एमपी में, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, कब आएगा थर्ड ईयर वालों का, क्या कुछ होगा भी या नहीं आएगा। अब तो मुझे भरोसा उठ चुका है, ज़िंदगी बर्बाद हो गया, एमपी सरकार बहुत गड़बड़ है, कोर्ट बहुत जो है लेट कर रही है, सीबीआई सही से जांच नहीं कर रही है, तमाम तरीके के जो है ऐसे अपडेट, ऐसे मैसेज कमेंट में भर भर के देखने को मिलता है। तो माय डियर, मैं बताऊंगा, ये जाहिर सी बातें हैं कि लोग अपने अंदर की भावनाओं को दिखाते हैं कमेंट में कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं। और ये बहुत हद तक सही बात भी है कि कोई एक स्टूडेंट है, वह ये सोच के अपना पैसा लगाया, समय लगाया कि मैं कोर्स कंप्लीट करके और कहीं अच्छा जॉब ढूंढूंगा, अच्छा जॉब करूंगा, लेकिन अभी हो क्या रहा है, कंपेरिजन देखा जाए दूसरे स्टेट की तो वहाँ पे सब कुछ एकदम स्मूथली क्लियर हो रहा है, बट एमपी का देखा जाए तो ही घसा पीटा, 6-6 महीना, 10-10 महीना रिजल्ट का इंतज़ार किया जा रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। माय डियर, ऐसे लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं, काफ़ी मैसेज करते हैं, बहुत लोग गलत गलत कमेंट करते हैं कि मैं अब तंग आ चुका हूँ, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो माय डियर, मैं बता दूँ आप लोग के लिए कि समझिए, अगर किसी के ऊपर प्रॉब्लम आता है तो खुद को जो है उसका सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम से अगर घबरा कर आप कुछ गलत स्टेप करते हैं तो एक कहीं ना कहीं खुद का आपका नुकसान होगा, इससे किसका जाने वाला है, ना एमपी नर्सिंग को कोई इससे फ़र्क पड़ेगा, ना कोर्ट का फ़र्क पड़ेगा, ना आपके किसी कॉलेज को फर्क पड़ेगा। क्या मान गए, आप अगर कुछ गलत स्टेप करते हैं तो समझिए अपने आप को क्या कीजिएगा, नुकसान पहुंचाइएगा, अपने घर वाले को दुख दीजिएगा, उससे क्या होगा, कोई आपको जान पाएगा कि हाँ कॉलेज में आप कुछ गलत कीजिएगा तो कॉलेज वाला पता चलेगा कि हाँ वो ऐसा मैंने किया तो ऐसा कर लिया, या फिर कोर्ट में कुछ होगा कि आपने ऐसा कर लिया इस कारण से, या फिर सीबीआई को भी कुछ फर्क पड़ेगा कि आपने ऐसा कर लिया इस कारण से। तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो आप खुद के क्यों जो है हरास कीजिएगा, कोई जो है आप छोड़ दीजिए। जब आप खुद समझिए कि जो चीज में प्रॉब्लम फंस चुका है, जो चीज कोर्ट में चला गया है, उसमें आप कितना भी छटपटा लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, कुछ नहीं हो सकता है। आप खुद समझिए कि आप तो एक स्टूडेंट है, वहाँ पे जो एमपी गवर्नमेंट है, जो एमपी एनआरसी है, जो सरकार के संस्था है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप ही कुछ नहीं कर सकते हैं। चूंकि कानून है, कानून अपना कोर्ट जो है, कोर्ट यही कहता है कि सीबीआई जब तक हमारे पास जांच लेकर नहीं आएगी कंप्लीट, हमें नहीं बता देती है कि कितना कॉलेज सही है, कितना गड़बड़ है, कितना फ्रॉड हो रहा है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप कुछ भी कर लीजिएगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो माय डियर, जिंदगी अनमोल होता है, कोई भी लोग अपने आप पर कदम ऐसा ना उठाइए जिससे आपसे ज़्यादा आपके फैमिली को जो है परेशानी होना पड़े, ठीक है। तो चलिए आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिससे आप लोग जो है अपने आप को जो है संयम कर सकते हैं। माय डियर, मैं आप लोग को बता दूँ कि जो लोग भी कमेंट करते हैं कब आएगा, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत छोड़ना चाहता हूँ नर्सिंग को, ये वो, तो मैं बता दूँ कोई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद समझिए, अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आता है तो बिना उसके हल किए क्या वो प्रॉब्लम जाता है, नहीं जाता है। तो वैसे ही समझिए कि प्रॉब्लम आया है एमपी में नर्सिंग के स्टूडेंट्स पे, तो वो खुद को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, जो भी होगा आपके सामने होगा। तो ये बातें आप लोग मानकर चलिए कि कोई आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, सब चीज़ ठीक होगा, बस थोड़ी सी इंतज़ार की घड़ी है, जब भी समाप्त होगा उसके बाद जो भी होगा बेटर ही होगा। आप खुद को समझिए कि आप लोग को तो रिजल्ट का वेट कर
रहे हैं, आप लोग रिजल्ट का ही ना वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए उसके बाद आगे प्रोसेस हो। आप खुद समझिए बीएससी नर्सिंग वाले को क्या हाल होगा, जो पिछले 3 सालों से जो है अपना एग्जाम भी नहीं दे रहे हैं और रिजल्ट तो दूर की बातें हैं। वो जब से एडमिशन लिए बीएससी नर्सिंग में तब से वो अपना एग्जाम भी किसी ईयर का नहीं दिए हैं। तो आप खुद समझिए क्या हो उन पर बीतता होगा और उनके गार्जियन पर क्या बीतता होगा। आप तो फिर भी एग्जाम भी दे दिए, रिजल्ट की वेट कर रहे हैं। जैसे ही ऑर्डर आएगा एमपीएनआरसी के पास, रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और आगे का जो भी प्रोसेस है जल्दी जल्दी किया जाएगा, क्योंकि लेट ऐसे भी हो चुका है। तो कुछ भी करने से पहले खुद के बारे में सोचिए, परिवार के बारे में सोचिए, और अगर परेशानी है तो परेशानी तो हम जानते हैं, परेशानी सबके पास है, परेशानी आपके पास भी है, सबके पास भी है, लेकिन इस परेशानी को झेलना ही सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। आप लोग साइकोलॉजी में, मेंटल हेल्थ में तो यही ना पढ़ते हैं कि कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, कैसे अपने आप को जो है मानसिक रूप से तैयार करते हैं समस्याओं से लड़ने के लिए। तो कोई नहीं, छोड़ दीजिए, आएगा 2-4 महीना में, जब भी आएगा आ ही जाएगा। अब आप पैसा भी दे चुके हैं, एग्जाम भी दे चुके हैं, सब कुछ सपना संजोग चुके हैं, तो थोड़ा सा लेट हो जाए उसके लिए आप लोग अपने आप को संभालिए, अपने आप को ये सोच कर चलिए कि कोई नहीं, थोड़ा और विलम्ब सही, देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा अच्छा होगा। हाँ, अगर रिजल्ट सारा चीज़ आ जाने के बाद भी अगर आपके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, आपके कॉलेज के ऊपर आपका नाम वगैरह कॉलेज गड़बड़ हो जाता है, वहाँ पे दिक्कत की बातें है, यानी आप एलिजिबल नहीं होते हैं आगे, तब दिक्कत की बातें हैं। बट ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है कि अभी कॉलेज को देखा जाएगा क्या है नहीं है, कोर्ट के फैसला आ जाने दीजिए, उसके बाद सब काम जल्दी जल्दी होगा। घबराइए नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, जब सब कुछ हो रखा है, एग्जाम भी हो चुका है, सब चीज़ हो चुका है, तो रिजल्ट तो आना ही आना है, समझ गए ना। तो ये सारे चीज़ है, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आप मजबूती से डटे रहिए, जो भी होगा जल्दी होगा या सही होगा, ठीक है ना। अपने आप को हरास नहीं होने दीजिए, अपना माइंड जहाँ लगाते हैं पढ़ाई पर, काम पर लगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा सही होगा और जल्दी ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत जो है गड़बड़ लेट हो चुका है, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।